प्रयागराज हत्याकांड के बाद अब माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर भी एक्शन में नजर आ रहा है। वो अपराधी जो अपराध करके जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, अब प्रयागराज मर्डर में कार्रवाई भी हो रही है और माफियाओं पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी भी नजर आ रही है। तो हत्याकांड के बाद जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं, उन खुलासों के हिसाब से आगे जांच तो चल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का अपराधियों के खिलाफ एक्शन अब दिख रहा है। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने अतीक अहमद के राजदार सताकत को भी गिरफ्तार किया और अब बुलडोजर एक्शन नजर आ रहा है। संतोष हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। संतोष, अब इस अपराध के बाद बुलडोजर एक्शन में, संतोष आवाज पहुंच रही है आप तक? जी सर। संतोष, अब इस अपराध के बाद बुलडोजर की कार्रवाई तेज? बिल्कुल, ये अपराध के बाद अब इस पूरे जो उमेश पाल हत्याकांड हुआ, इसमें जो अतीक अहमद के जो करीबी है उसमें बुलडोजर चलेगा और बुलडोजर की कार्रवाई तेज हो रही है, जिसको लेकर के धूमनगंज थाने में बुलडोजर पहुंच चुके हैं, भारी पुलिस फोर्स मौजूद है, प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारी पहुंचे हुए हैं। तो अतीक अहमद गैंग के जो करीबी लोग थे, जिनके ऊपर उमेश पाल हत्याकांड के भी कनेक्शन सामने आ रहे हैं, तो उनकी जो अवैध संपत्तियां हैं, जिनका जो सरकारी जमीन को कब्जा करके अपराध करके जिन संपत्तियों को खड़ा किया गया है, उन पर बुलडोजर चलाया जाएगा। यानी कि दोहरी कार्रवाई, एक तरफ पुलिस एक्शन में है उन अपराधियों को दबोचने में, उनका एनकाउंटर करने में, शाहबाज का जैसे एनकाउंटर किया, तो वहीं दूसरी तरफ अतीक अहमद के सरपरस्तों पर कार्रवाई की जा रही है, उनकी संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है। धूमनगंज थाने में भारी संख्या में पुलिस फोर्स, दो बुलडोजर के साथ साथ प्रयागराज विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी है वो पहुंच चुके हैं और अभी थोड़ी देर बाद जो धूमनगंज का चकिया थाना क्षेत्र है वहां पर अतीक अहमद के करीबी के, अभी आइडेंटिफाई नहीं किया, नाम नहीं बता रहे हैं ये लोग, लेकिन उसका चकिया थाना क्षेत्र में, चकिया इलाके में ये जो पूरा अमला है वो वहां पर पहुंचेगा और उस अवैध संपत्ति को जो चिन्हित की गई है उस पर बुलडोज किया जाएगा। जी, ऐसी कितनी संपत्तियां संतोष जिन पर बुलडोजर चल रहा है? देखिए, अभी तक दो संपत्तियों के बारे में जानकारी मिल पा रही है कि ये दो संपत्तियां हैं जिनको कि चिन्हित किया गया है, जिनको बुलडोज किया जाएगा और इसको लेकर के प्रयागराज विकास प्राधिकरण के साथ साथ स्थानीय पुलिस फोर्स भी मौजूद है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो भी मौजूद है और वो नोटिस सर्व करके इस जो संपत्ति है जो अतीक अहमद के गुर्गे की बताई जा रही है, चकिया इलाके में, वहां पर ये बुलडोजर की कार्रवाई होगी। जी, तो ये चकिया इलाका जैसा संतोष बता रहे हैं जहां पर कार्रवाई होनी है, लेकिन संतोष पिछली बार जब भी ये बुलडोजर की कार्रवाई हुई है तो कई विवाद भी इससे जुड़े हुए नजर आए हैं। क्या आपने स्थानीय लोगों से, वहां रहने वाले लोगों से बात की? क्योंकि ये कार्रवाई तो हो रही है लेकिन लोगों की आपत्ति भी इस कार्रवाई को लेकर होती है। बिल्कुल, अभी ये कार्रवाई शुरू नहीं हुई है और सबसे बड़ी बात कि इस पूरे जो ऑपरेशन है, जो बुलडोज करने की कार्रवाई है, उसको बहुत गोपनीय रखा गया है। सामान इकट्ठा हुआ है, बुलडोजर इकट्ठा को बुला लिया गया है, प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारी मौजूद हैं, अगर कहा जाए कि पुलिस फोर्स मौजूद है ताकि कोई उपद्रव न करने का, कानून व्यवस्था न बिगड़े, लेकिन किसके घर पर, चकिया इलाके में है, चकिया में किस मोहल्ले में जाकर के लोग बुलडोज करेंगे, किसके घर को चिन्हित किया गया है, इसको बेहद गोपनीय रखा गया है और जब ये बुलडोजर चलेगा तब ये खुलासा करेंगे। अभी कोई भी इस पर आधिकारिक तौर पर यह जानकारी देने को तैयार नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि धूमनगंज थाने में पुलिस फोर्स और बुलडोजर बुला लिए गए हैं और उम्मीद है कि ये धूमनगंज के चकिया इलाके में बुलडोजर की कार्रवाई होगी। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए, एक ग्राउंड रिपोर्ट भी हम आपको दिखाते हैं। हत्याकांड में अब आरोपियों के खिलाफ बाबा का बुलडोजर चलने वाला है। धूमनगंज इलाके में ये बुलडोजर आ चुके हैं, दो बुलडोजर हैं जो यहाँ पर अतीक अहमद के करीबियों के मकान पर चलने वाला है। धूमनगंज के पास ये बुलडोजर खड़े हैं और ये जो अतीक अहमद के जो करीबी है उनके घर में पीडीए ने ये डेटा निकाला है और ये पता चला है कि अवैध रूप से मकान बना था। अब ये बाबा का बुलडोजर वहां पर चलने वाला है। धूमनगंज के पास ये बुलडोजर खड़े हैं, आप देख सकते हैं दो बुलडोजर यहां पर आ चुके हैं और ये जो पूरी कार्रवाई है कुछ देर में शुरू होगी, तो इस तरह से ये बुलडोजर चलने वाला है। तो बाबा का बुलडोजर अब आरोपियों के खिलाफ चलेगा, जैसा कि कहा गया था कि उत्तर प्रदेश सरकार और बाबा योगी ने कहा था कि अपराधियों को
जब मिट्टी में मिला देंगे तो ये कार्रवाई शुरू होने वाली है। तो धूमनगंज थाने में ये बुलडोजर आ चुके हैं। चकिया इलाके में ये अति के करीबी का मकान है जहां ये बुलडोजर चलने वाला है। तो ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। उमेश पाल हत्याकांड में एक इनकाउंटर में एक बदमाश को ढेर कर दिया गया था। अब ये मकानों पर ये कार्रवाई बहुत जल्द होने वाली है। तो देख सकते हैं धूमनगंज इलाके में ये दो बुलडोजर आ चुके हैं और यहाँ पर ये कार्रवाई शुरू होने वाली है। तो धूमनगंज इलाके में पुलिस भी आ गई है और फोर्स का इंतजार किया जा रहा है। कुछ देर में ये बुलडोजर अतीक के करीबियों के ऊपर उसके मकान पर चलने वाला है।